नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंह कंपटीशन टारगेट क्लास में। दोस्तों, जो लोग भी यूपी पुलिस का फॉर्म भरे होंगे उनको बहुत ही खुशखबरी है, 18 और 19 जून से परीक्षा शुरू हो जाएगी उनकी। और सारे जितने भी जिला है उनके हैं, उनके जिस जिले से फॉर्म भरे होंगे वहीं पर परीक्षा होने की उम्मीद है। मैं ये नोटिफिकेशन आया है 1 जून को, मैं आपको इसको पढ़ के बताता हूँ क्या है मैटर। देखिए, इसमें मार्कंडेय शाही जो विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के, उन्होंने जिला अधिकारी को लिखा है, सारे जिले के नाम लिखे हुए हैं जितने भी यूपी में हैं। गृह पुलिस विभाग अनुभाग 10 1 जून 2018 को ये लागू हुआ है। इसमें लिखा गया है विषय क्या है, आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष व महिला एवं आरक्षी पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 की ऑफलाइन लिखित परीक्षा जो है वो 18 एवं 19 जून 2018 को प्रदेश के 56 जनपदों के में सकुशल व सुचितापूर्ण सम्पन्न कराए जाने के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में संबंधित जनपदों की सूची संकलन कर प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के स्तर पर आरक्षी नागरिक पुलिस महिला एवं आरक्षी पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 की ऑफलाइन लिखित परीक्षा 18-19 जून को 56 दिन कराया जाना प्रस्तावित है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त भर्ती हेतु 18-19 जून को प्रस्तावित ऑफलाइन परीक्षा में संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यथावांछित सहयोग करने की कष्ट करें। ये सारी जगह भेज दी गई है मार्कंडेय शाही जो विशेष सचिव हैं, और ये सारी चीज़ें आ गई हैं 1 जून को। अब जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं वो लोग सीधे तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। आज हो गई 3 तारीख और आपके पास है 15 दिन, 14-15 दिन है। इसमें ऑफलाइन परीक्षा के लिए एकदम जम के तैयारी करिए, और जितने भी सब्जेक्ट हैं उसे अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 100% आपका होना निश्चित है। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, और इस वीडियो में आपको और भी अलग अलग वीडियो इस पर बना के डालूँगा, ताकि आप 10-15 दिन के अंदर जो कुछ आप तैयार कर सकें ये आपके लिए लाभदायी हो। तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी मैं जीके की वीडियो डालता हूँ उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि जीके में से बहुत ही क्वेश्चन होते हैं जो कि में सेलेक्टिव होते हैं, वो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और आपके बहुत सारी संभावनाएं हैं जो परीक्षा में फंसने के। तो इस वजह से मेरे वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।